नमस्कार दोस्तों, मैं जय किशन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल जय इन्फो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक्टिव एक्स कंट्रोल्स में कैलेंडर कंट्रोल को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग ब्लैंक डेटाबेस लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्रिएट पर क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद टेबल के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद डिजाइन व्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग टेबल का नेम देंगे। तो यहाँ पर आप टेबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, हम लोग यहाँ पर जय दे देते हैं और उसके बाद ओके करके क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद उस टेबल के ऊपर में फॉर्म क्रिएट करेंगे और उस फॉर्म में हम लोग ऐसे एक्टिव एक्स कंट्रोल्स में कैलेंडर कंट्रोल्स को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में समझेंगे। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर में बहुत सारे वीडियो बन चुका है, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उन सभी वीडियो को बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग टेबल का फील्ड देंगे, तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं STID और इसका जो डेटा टाइप रहेगा हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट रखते हैं और उसके बाद अगले फील्ड में आते हैं और यहाँ पर हम लोग अगले फील्ड में देते हैं STNAME, डेटा टाइप टेक्स्ट रहेगा और उसके बाद यहाँ पर एडमिशन टाइम और डेटा टाइप इसका रहेगा डेट एंड टाइम और उसके बाद अगले फील्ड में आते हैं और अगले फील्ड में हम लोग दे देते हैं क्लास और उसके बाद इसका डेटा टाइप जो रहेगा नंबर रहेगा और उसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग टेबल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा टेबल का फील्ड आ चुका है, तो यहाँ पर हम लोग टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स की एंट्री कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल में रिकॉर्ड्स की एंट्री कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट आईडी दे देते हैं, स्टूडेंट नेम, एडमिशन टाइम अभी यहाँ पर खाली रखेंगे, उसके बाद क्लास यहाँ पर दे देते हैं 9, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आईडी दे देते हैं वापस से और उसके बाद इसी तरह से कुछ रिकॉर्ड्स की एंट्री कर लेता हूँ यहाँ पर और इसमें जो है हम लोग एडमिशन टाइम खाली रखेंगे। तो इसके बाद हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्रिएट टैब में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा फॉर्म बना बनाया मिल चुका है, इसको हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने से पहले हम लोग इसके डिजाइन व्यू में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम लोग फॉर्म फूटर का जो ये सेक्शन मिल रहा है यहाँ पर आपको नीचे वाला जो लाइन है ये आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर में जाना है और इस तरह से नीचे करना है। आपको याद रहे कि ये वाला लाइन जो है इस लाइन पर नहीं करना है, ये नीचे वाला जो लाइन है इस पर करना है। तो यहाँ पर जो है मैं जूम को वापस से हटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से और उसके बाद यहाँ पर आपको डिजाइन टैब में एक्टिव एक्स कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद कैलेंडर कंट्रोल 12.0 को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है कैलेंडर आ चुका है, इसको हम लोग ड्रैग करते हुए नीचे लाएंगे और फॉर्म फूटर में हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद हम लोग इस कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके कंट्रोल सोर्स में जाएंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी विंडो में और उसके बाद यहाँ पर हम लोग कंट्रोल सोर्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरह से यहाँ से हम लोग एडमिशन टाइम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको हम लोग सेव कर लेंगे, इसके बाद इसको क्लोज कर लेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर और उसके बाद फॉर्म के ऊपर में राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा कैलेंडर जो है यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एडमिशन टाइम जो है यहाँ पर खाली है, तो इसमें हम लोग इस कैलेंडर के माध्यम से इसमें एडमिशन टाइम का जो टाइम है यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग उस सेल में जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये एडमिशन टाइम है, एडमिशन टाइम के हम लोग सेल में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग किसी भी डेट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और उसके बाद उसमें वापस से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे कि डेट जो है इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पर 13 नवंबर जो है यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ईयर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2024 ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी डेट को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और वापस से उस सेल में क्लिक करेंगे एडमिशन टाइम के सेल में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है डेट जो है पूरा चेंज हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगले रिकॉर्ड में आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट आईडी 2 जो है यहाँ पर आ चुका है और इसमें भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एडमिशन टाइम खाली है। तो इसमें हम लोग डेट इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 20 को सिलेक्ट किए और उसके बाद इस सेल में हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने क्लिक किया यहाँ पर जो है डेट आ चुका है और इसके बाद यहाँ पर जो है ये ऑटोमेटिक जो है ये सेव भी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग टेबल को ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर टेबल को ओपन करेंगे
देखिए यहाँ पर जो है डेट इंसर्ट हो चुका है रिकॉर्ड वन में, और उसके बाद यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड टू में जो है हम लोगों ने अभी चेंजेस नहीं किए हैं, तो यहाँ पर रिकॉर्ड टू में जो है यहाँ पर डेट अभी नहीं इंसर्ट हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, तो वापस आते हैं इसमें और यहाँ से हम लोग रिकॉर्ड थ्री में जाते हैं, और रिकॉर्ड थ्री में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग टेबल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड टू में जो है डेट इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग वापस आते हैं फॉर्म में, और फॉर्म में हम लोग यहाँ पर डेट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 2018 ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग डेट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 20 नवंबर को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एडमिशन टाइम में क्लिक करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे 20 नवंबर 2018 जो है यहाँ पर डेट आ चुका है। इसके बाद हम लोग अगले रिकॉर्ड में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा 4 नंबर रिकॉर्ड है, इसमें हम लोग मंथ चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप मंथ को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगस्त को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग तो यहाँ से हम लोग 8 अगस्त को सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 8 अगस्त 2018 जो है यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव, और उसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 4 रिकॉर्ड में जो है यहाँ पर डेट इंसर्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप बहुत ही आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक्टिव एक्स कंट्रोल के जरिए आप कैलेंडर कंट्रोल को आसानी से यूज कर सकते हैं अपने टेबल में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।